राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली भक्त आपसे करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। आचार्य श्री बिहार सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आजकल रिश्तों को निभाने में उदासीनता आती है, उन रिश्तों को कैसे निभाया जाए? आखिर ऐसा क्यों सीजन टू में जहां हम प्रतिदिन छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हजारों एक व्यक्ति की जिज्ञासा अनंत लोगों के लिए समाधान बन जाती है, तो उसी क्रम में आज श्रीमती अंजलि जैन भोपाल से उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि आजकल के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में जो उदासीनता आ रही है उसके लिए हम कैसे निभाएं, कैसे संभालें या उनको उदासीनता को कैसे ख़त्म करें। तो अपन ये देखेंगे कि आज के समय में रिश्तों में जो उदासी का कारण है वो ये है कि हमारे पास एक तो संबंध ही नहीं है और दूसरा ये है कि आज के समय में जहाँ बच्चे जो हैं उन बच्चों को जो बचपन मिलता है बचपन, वो आज के बच्चों का बचपन ख़त्म हो गया क्योंकि हमने उनको शुरू से ही पढ़ाई में लगा दिया। पढ़ो 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 ना, और पढ़ाई पढ़ाई करने से बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी जॉब मिल गई उनको, पर उनके जो इमोशंस थे वो ख़त्म हो गए है ना। पहले क्या होता था, 8 साल 9 साल तक बच्चे घर में रहते थे, पढ़ते थे है ना। घर के जितने रिश्तेदार आते थे, जितने 18 रिश्ते होते हैं है ना हर जीव के, और 18 रिश्ते होते थे तो घर में कोई ना कोई मेहमान आते थे, और मेहमान आते थे तो बच्चे को पता चलता था कि भाई मौसी आई है, भैया ये ताई आई हैं, ये काका है, ये काकी हैं, ये चाचा है, ये चाची है, फलाने ढिकाने, ऐसे सब बताते थे। और वो सबको नमस्कार भी करता था, सबको झुकता भी था, पैर भी छूता था, तो इमोशंस बनते थे। अब आजकल क्या हो गया कि व्हाट्सअप का प्यार है, अब व्हाट्सअप का प्यार है,
अपना रिश्तेदार हमारे यहाँ आते हैं, ना हम रिश्तेदारों के यहाँ जाना पसंद करते हैं, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, वो उदासीनता आ गई। अब उदासीनता आ गई क्योंकि व्यक्ति को कोई ना कोई तो चाहिए, है ना, व्यक्ति को कोई ना कोई चाहिए। कभी कभी जब बीमारी होती तो डॉक्टर कहता है जाओ इनको बाहर ले जाओ, कहीं घुमा के लाओ, कोई क्षेत्र पर घुमा के लाओ, जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो, है ना। वो मन एक ही जगह चलता रहेगा, बार 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 एक ही चीज़ चलती रहेगी। अब व्यक्ति कहाँ जाए, व्यक्ति की दौड़ कहाँ तक है? कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, है ना। अब आज के व्यक्ति की दौड़ कहाँ तक है? या तो दुकान, है ना, दुकान करता है तो दुकान जाएगा, ऑफिस जाता है तो ऑफिस जाएगा, और बाकी वर्क लौट के घर आ जाएगा, है ना। अब दो ही जगह जगह है। अब वहाँ ऑफिस का वर्क जो है उसके दिमाग पर चल रहा है, ना कहीं जो उसका बॉस है वो चिल्लाता है तो उसकी सुनता है, घर में आके घरवाले की सुनता है, अब बेचारा जाए कहाँ, तो उदासीन हो जाता है, है ना। तो उसे उदासीनता कब आती है, उदासीनता खत्म करने के लिए हमें उन्हें समझना पड़ेगा। आज क्या होता है कि अपन देखें जो रिश्ते हैं, रिश्तों के बीच में पहले चार दीवारी के बीच में रिश्ते हुआ करते थे, आज हर रिश्ते के बीच में दीवार है। अब ये बात ठीक है, ये वाली दीवार नहीं है, ये तो चार ही हैं, पर आज जो दीवार आ चुकी है वो दीवार कौन सी है, कांच की दीवार। कांच की दीवार में से एक तरफ पत्नी है, कांच के दीवार के उस तरफ पत्नी है, तो कांच की दीवार के इस तरफ पति है ना। दोनों उस कांच में से हम एक दूसरे को देख तो लेते हैं कि पत्नी है, पत्नी को दिख रहा है कि पति है, पर कांच की दीवार होने से ना वो हमारे को समझ पाते हैं ना हम उनको समझ पाते हैं, और इसीलिए वो गाड़ी खींचती रहती है ऐसे ना मुँह टेढ़ा मेढ़ा करके, है ना, उदासीनता में। तो इसलिए हमें उस कांच की दीवार को बीच में से हटाना पड़ेगा, है ना। अब उसको हटाने के लिए एक को, किसी ना किसी एक को झुकना पड़ेगा, एक को झुकना पड़ेगा, और एक को झुकना पड़ेगा तो एक को समझना पड़ेगा, है ना। दोनों समझदार नहीं हो सकते, है ना, दोनों एक दूसरे को समझा नहीं सकते। तो जो समझ जाए, और पत्नी समझने को तैयार है तो पति तो समझा तो घर को सुधार सकती है, या पति समझने को तैयार है तो घर समझ सकता है। तो कहते हैं ना कि एक अगर गर्म कोयला है तो एक को सरोवर बनना पड़ेगा, अगर दोनों कोयले बन जाएंगे तो घर की आग नहीं बुझ सकती है, है ना। इसलिए एक को गर्म दल तो एक को नरम दल बनना पड़ेगा, एक को अगर गर्म अंगारा बन रहा है तो दूसरे को सरोवर बन जाओ कि भैया हम तो पानी का भगोना तैयार रख के बैठे हैं, तुम तो जैसे अंगारे बनोगे हम क्या करेंगे, तवे लांग कर देंगे, तो वो अंगार कहाँ गिरेगा, पानी में ठंडा हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से एक दूसरे को समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अपन देखें आज के समय में पहले ज्वाइंट फैमिलियाँ हुआ करती थी, अब ज्वाइंट फैमिलियाँ बहुत कम बची हैं, है ना। और ज्वाइंट फैमिलियाँ नहीं होने से अब पूरा मेहनत, पूरा वर्क जो है, पूरा जो है ना मेहनत है वो एक व्यक्ति के ऊपर आ गई। अब व्यक्ति का इतना पेशेंस है नहीं है, पहले पेशेंस बहुत होता था, एक व्यक्ति के घर में एक एक व्यक्ति की संतान होती थी, पाँच पाँच दस दस बच्चे होते थे, है ना। और आठ आठ दस दस बच्चे होने पर भी व्यक्ति के चेहरे से कभी हंसी नहीं जाती थी, है ना। एक व्यक्ति हंसते मुस्कुराते हुए ही उन दस बच्चों को पालन पोषण भी करता था, पढ़ाता भी था, शादी भी करता था, और कभी चिल्लाता नहीं था, है ना। आज एक दो बच्चे ही हैं, एक दो बच्चे में ही आफत है, है ना, एक दो बच्चे में ही हम टेंशन में हैं, एक दो बच्चे में ही कैसे पढ़ाई का बड़ा खर्चा है भैया, पढ़ाई कैसे करवाते हम ही जान रहे हैं, कैसे फीस भरना है उनकी, ये करना है वो करना है। कभी ये बात जो पहले के समय के जो पिता हुए हैं उन पिता ने कभी बच्चों से नहीं कहा कि हमने तुम्हें आठ दस लोगों को कैसे पाला है, है ना। क्यों, पेशेंस था, और मारा ठीक है अपने ही है, सब हो जाएगा, है ना। तो घर चलाते थे, अच्छे से रहते थे, है ना। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेशेंस लाना पड़ेगा, और पेशेंस ला करके पेशेंस भी लाएँ और इमोशंस भी लाएँ, जिससे कि हम घर को आगे बढ़ा सकें। अब दोनों एक से मिल जाते हैं ना, ना उन्हें कोई पसंद है ना उन्हें कोई पसंद है, घर में बोल के अपन दो ही ठीक हैं, लड़ते रहो झगड़ते रहो खाते रहो पीते रहो, बस तीसरा कोई नहीं आएगा, है ना, पसंद नहीं करते अपन ना। अगर लड़की जो घरवाली है उसके घर के लोग आ जाएँ तो उसको बुरा लगता है, और उसके घर के लोग आ जाएँ तो अपन को बुरा लगता है ना। अब क्या लगता है, बस आई एम सेपरेट सेपरेट। तो इसलिए उस भावना को हमें फिर से उत्पन्न करना पड़ेगा, तब जा कर के हम घर के वातावरण को ठीक कर सकते हैं। और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरी शंका यह है कि जो द्रव्य के निमित्त से गुणी व्यक्ति निर्गुणी व्यक्ति भी गुणी हो जाता है,
और समाज का, धर्म का, संस्था का विकास होने में अवरोध पैदा करता है, उसके निराकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु आचार्य श्री। श्रीमती प्रीति जैन भोपाल से मंगलवारा, और उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, आज के समय में जो लोगों को पद पर आसीन होने का जो मौका मिलता है समाज की सेवा करने का, या घर का मुखिया बना है तो घर की सेवा करने का, तो अपन देखें कि वह पद पर होकर के भी जो समाज का, देश का, राष्ट्र का विकास कर सकते थे, वो उस विकास को क्यों नहीं सोचते हैं या क्यों नहीं करते हैं, ऐसे ही ना हला। अब अपन ये देखेंगे कि एक चार पंक्ति से सुनाएंगे पहले कि भगवान तेरी दुनिया में इंसान नहीं है, कि भगवान तेरी दुनिया में इंसान नहीं है, मंदिर है, मस्जिद है, पर ईमान नहीं है, आपस में यहाँ फूट है, सबके दिल हैं जुदा जुदा, कि आपस में यहाँ फूट है, सबके दिल हैं जुदा जुदा, जिनके पास दौलत है वो इस धरती के खुदा हरा, इतना भी नहीं जानते हम कौन हैं कहाँ हैं, आज एक इंसान को दूसरे इंसान की पहचान नहीं है। आज की डेट में अपन देखेंगे कि पद पर आसीन हम करते ही उनको हैं जो पैसे वाले होते हैं, जो मेहनत करते हैं, श्रम दान करते हैं, उन्हें कोई पद पर नहीं बिठाता। अब हम किसको बिठाते हैं पदों पर, जो स्वयं उनके पास टाइम नहीं है, वो बिजनेसमैन हैं, बड़ा काम है उनका, अब उनके पास टाइम नहीं है, पैसे वाले हैं तो वो पैसा दे देते कभी कभी बीच में, तो समाज चाहती है कि भाई इनको प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनको बना दो। अब उनको बना तो दिया अपन ने, पर उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, अब वो टाइम दे नहीं पाते हैं। अगर वो कुछ प्लानिंग करेंगे तो टाइम देना पड़ेगा, अगर कोई नई प्लानिंग करेंगे, कोई योजना बनाएंगे तो उनको टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए ना योजना ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो इसलिए वो क्या करते भैया, अगर कुछ कहोगे तो कह देंगे तुमने बनाया, मैं तो पहले ही मना किया था कि मेरे पास टाइम नहीं है, है ना। पर अपन क्या चाहते हैं कि एक फेस वैल्यू, आज के समय में हम एक ऐसा चेहरा चाहते हैं कि समाज में ऐसे व्यक्ति को पद पर बैठा दो, भले वो कुछ करे ना करे, पर फेस वैल्यू तो रहेगी कि हाँ ये व्यक्ति है हमारे साथ। तो उस फेस वैल्यू के चक्कर में हम उस व्यक्ति को बिठा देते हैं पद पर, अब उसके पास टाइम नहीं है, तो वो कहे कि हमारा इस समाज का कहें या घर का कहें विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें ये चयन करते इस वक्त सोचना चाहिए कि हम किस व्यक्ति को बिठा रहे हैं, है ना। तो इसलिए कोई व्यक्ति किसी को समझाने की प्रयास नहीं करता है, वो कुछ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। तो अपन जब देखें कोई ऐसा व्यक्ति अपन समाज में से निकाल करके, जिसको अपन ये नहीं देखते कि पैसे वाला है कि नहीं और मेहनती है, उसको अपन बना देते हैं, तो वो बेचारा 24 घंटे ही बैठा रहता है, क्या क्या करना है, कैसे करना है बताओ, है ना। तो पैसा नहीं आता है क्योंकि उसको देखे कोई पैसा नहीं देता है ना, तो बेचारा बड़े बड़े काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए अपन देखें आज के इस वक्त में हमें ऐसी सामंजस्य बिठाना चाहिए कि भाई पैसे वाले को भी ले लो और पर मेहनती लोगों को भी लो। इको सिस्टम जो है हमें ऐसे लोग बनाना चाहिए, है ना, किसी को फर्श उठाने वाला भी चाहिए, है ना, कोई व्यवस्था बनाने वाला भी चाहिए, कोई लाइट बुझाने वाला भी चाहिए, कोई लाइट जलाने वाला भी चाहिए, है ना। तो हर तरह का बंदा हमारी टीम में होना चाहिए, है ना, कि भैया ठीक है आप अध्यक्ष रहो। अध्यक्ष कोई बनता है कहीं भी किसी भी संस्था में, अध्यक्ष कुछ नहीं करता, अध्यक्ष हमेशा सिर्फ माला पहनता है ना, मोमेंटो लेता है, काम सारे कौन करता है, मंत्री। फोन किसको लगाना है, मंत्री को, बुलाना किसको है, मंत्री को, है ना। कोई मीटिंग है उसका, उसके रजिस्टर कौन बना के भेजेगा, मंत्री भेजेगा, सारे काम कौन करेगा, मंत्री। तो इसी कहते भैया मंत्री ऐसा ढूंढो जो मेहनती हो, अगर तुमने मंत्री भी ऐसा ढूंढ लिया प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको ही इस बात पर क्या करना चाहिए, चिंतन करके हमें अपनी जो टीम बनाए, उस टीम में हमें ऐसे लोग चाहिए जो फोटो वाले भी चाहिए, जो फोटो से फोटो सिस्टम में रहेंगे, और कुछ ऐसे चाहिए जो मेहनत भी करें, एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास भी करें, तो तब जा करके हम अपनी संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना।
तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। महाराज जी, मेरा नाम सुरभि जैन है, मैं चौक से हूँ। मेरा प्रश्न है कि आजकल जो पंचकल्याणक जन्म महोत्सव है, उसमें जो अनछना पानी वितरित किया जाता है, जैसे कि पानी की बॉटल, पानी के पाउच, तो क्या ये कहाँ तक उचित है हमारा? श्रीमती सुरभि जैन और उनकी जिज्ञासा है कि जब कभी कहीं मंदिर जी में भी अब कोई आयोजन होते हैं, चाहे वो विधान हो, पंचकल्याणक हो या कोई भी पर्व आदि मनाए जाते हैं, तो अपन देखें कि समाज की ओर से जो पानी आदि की व्यवस्था रखी जाती है वो मिनरल वाटर रखी जाती हैं, है ना, या पाउच रख दिए जाते हैं कि लो और पियो पानी को। तो अपन ये देखेंगे कि ये उचित है या अनुचित है। तो अपन पहली बात तो अपन ये देखें कि मंदिर जी में कभी भी इन चीज़ों की व्यवस्था होती ही नहीं थी, उत्तम व्यवस्था कि जो भी भैया है अपने घर से आओ, अपना है ना जो भी करना है, विधान करना है, पूजा करना है, और फिर घर जा करके पानी मानी जो पीना है घर पे पियो, पहली व्यवस्था तो ये थी। पर अपन ये देखें अब हमारी सहनशीलता कम हो गई है ना, द्रव छेद काल भाव के अनुसार, तो फिर पानी की व्यवस्था रखी जाने लगी। तो हम लोग जब देखते थे तो लोग पहले अपने घरों की व्यवस्था के अनुसार घर से पानी पिलाते थे, घरों के सामने जलूस निकल रहा है तो लोगों ने क्या किया, जैनों के घर पड़े तो जैन लोग क्या करते थे, टंकी रख ली पानी की, जग रख लिया, स्टील के गिलास रख लिए और पानी भर के देते जाते थे कि पानी पियो भैया, तो ये व्यवस्था थी, है ना। अब डिजिटल इंडिया हो गया, अपन ये देखें इतना कौन व्यवस्था बनाए, कौन स्टील के गिलास से पानी पिलाए, कौन जग उठा के दे, है ना, और एक काम करो ऑर्डर दिया सीधे सीधे वो आ गई बोतल पानी की दो। तो कई बार अपन देखें पंडाल में जगह जगह बोतल पड़ी रहती हैं, वो पानी तो पी लेता है व्यक्ति पर वो बाहर फेंक नहीं जाता, पंडाल के वहीं पड़ी रहेंगी, है ना, जहाँ भोजन खाया तो वहीं थाली पड़ी रहेंगी, है ना, ये हो गया आप सिस्टम। तो डिजिटल इंडिया हो गया आप, तो इस तरह अपन देखेंगे ये व्यवस्था गलत है, अनुचित है, है ना, और इससे उल्टा हमको दोष लगता है अपन को कि अपन देखें कि अपन जब वो पंचकल्याणक में केवल ज्ञान होता है भगवान को तो बैंतर देव बनाए जाते हैं, तो बैंतर देव ये चिल्लाते हैं, है ना, कि हम देख रहे हैं यहाँ पर झूठे मुंह सब लोग बैठे हैं, चप्पल पहन के आ जाते हैं, पानी पीते हैं, है ना, इसे हम उत्पात मचा रहे हैं, तो ये सत्य है। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, एक यही कारण है कि जो पहले अच्छे चमत्कार होते थे वो अब कम हो गए, अच्छे चमत्कार कम हो गए, है ना, और यही कारण है कि अब हम भक्ति ज़्यादा करते हैं फल कम मिलता है, पहले भक्ति कम करते थे फल ज़्यादा मिलता था, है ना, अब उल्टा हो गया। इसलिए ये अनुचित है, इससे हमें व्यवस्था बनाना चाहिए कि हम कोशिश करें कि पाउच ना रखें, बोतल की वो बड़ी बड़ी टंकियाँ आती क्या कहते हैं उसे, प्लास्टिक की, वो पर पानी मंगवाते हैं जो बहुत गंदा है, कई लोगों ने वीडियो दिखाई कई बार कि लोग जो भर रहे हैं पानी उसमें वो उसका पैर रख के उसी पे खड़े हैं, उसी से पानी भर रहे हैं, है ना, गंदा पानी है वो, ठीक है ना। इसलिए ये पानी की व्यवस्था पर इतना पैसा खर्च करते ही हैं पंचकल्याणक आदि में, तो वहाँ पर चार व्यक्ति और बुला लें ज़्यादा एक्स्ट्रा और उनसे कहते स्टॉल लगा लो पानी का, और अच्छा ठंडा पानी मटके का पानी पिलाओ, अच्छा छान के पानी पिलवाओ, है ना, जिससे पानी भी लोग पी लेंगे, व्यवस्था भी बन जाएगी और एक अच्छा मर्यादित और जैन समाज का फंक्शन कहलाएगा। तो ये व्यवस्था पर हम बना सकते हैं और बनाना चाहिए, ध्यान रखेंगे और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।